जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कुलगाम में उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी यानी कि अफगानिस्तान को देखो, जहां से अमेरिकी बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कमजोर नहीं है, बल्कि वे बहुत बहादुर और धीरज रखने वाले हैं। जिस दिन सब्र की दीवार टूट जाएगी, तुम परास्त हो जाओगे। दरअसल महबूबा मुफ्ती की माँ गुलशन नजीर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी ने नजीर से 3 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती भड़क गई और उन्होंने ये बयान दिया। मऊ जिले में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी ने जो भी घोटाला किया है उसकी जांच होगी। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में आए दिन 200 करोड़ के बजट पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। जो घाट का निर्माण हुआ है वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल का है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता पर बात हुई। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक कोर ग्रुप बनाने का सुझाव दिया। मीटिंग में कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी शामिल हुए। दूसरी पार्टियों से फारूख अब्दुल्ला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, शरद यादव और सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेता जुड़े। कांग्रेस ने मीटिंग के लिए आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को न्योता नहीं भेजा था। समाजवादी पार्टी से भी कोई नेता मीटिंग से नहीं जुड़ा। सभी विपक्षी दल 20 से 30 सितंबर तक पूरे देश में जनता के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र के बसकारी में बहुजन समाज पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हुंकार भरी। शिविर में प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि प्रदेश में 2022 में बहन मायावती के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पार्टी सभी वर्गों को टिकट देकर सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने ओबीसी समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी को हितकर बताते हुए पार्टी के लिए समर्पित होने के लिए आग्रह किया। इस दौरान पूर्व सांसद घनश्याम चंद खैरवार ने पूर्व मंत्री लालजी वर्मा व रामअचल राजभर पर तीखा हमला भी बोला। उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ही हर हाल में सरकार बनेगी। सैफी में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का मन बना लिया है। उन्होंने आशंका जताई कि यूपी चुनाव तक सरकार अब विपक्षी राजनेताओं के साथ बदनीयत से काम करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने प्रयागराज में बड़ा बयान दिया है। तालिबान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो चाहती है ओवैसी उसी की भाषा बोलते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश हित सबसे बड़ा है और भारतवासियों की सुरक्षा सबसे बड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह ने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने तथा उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। राजेश्वर सिंह वर्तमान में लखनऊ में ईडी के जोनल कार्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात है। राजेश्वर सिंह कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वह किसी को भी राज्य में विकास कार्यों में बाधा नहीं बनने देंगे, जिसमें शिवसेना नेताओं पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। नागपुर मेट्रो के एक प्रमुख हिस्से के उद्घाटन के मौके पर ठाकरे ने ये भी कहा कि नेताओं से लोगों को एक साथ लाने के दौरान राजनीति को अलग रखने की उम्मीद की जाती है। उद्घाटन के मौके पर गडकरी भी व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, जबकि ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे पर अमल करते हुए 2.85 लाख कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपए की कर्ज राहत योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इससे पहले 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के 4700 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए थे। उन्होंने कहा कि उनका दिल दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया कि वह केंद्र सरकार के किसानों के प्रति अपनाए जा रहे रुख से सहमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बयान देने के बाद अब उनके बेटे
मलुकर रहमान बर्क ने तालिबान को मुबारकबाद दी है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि तालिबान पिछले 20 साल से सुपर पावर अमेरिका और जापान से लड़ रहा था, इससे पहले 10 साल हुकूमत से लड़ा। तालिबान देश के साथ है, इसलिए वे तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने की शक्ति प्रदान करने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक, जिसे ओबीसी बिल भी कहा जाता है, इसे संसद द्वारा पारित किए जाने के कुछ दिनों बाद ही कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सवर्ण आयोग यानी कि उच्च जाति आयोग की मांग उठाई जा रही है। मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर सवर्ण आयोग के गठन पर विचार करने को कहा है। तालिबान की तुलना रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से करने के आरोप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया है। हजरतगंज कोतवाली के प्रभारी श्याम शुक्ला ने बताया कि वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती की तहरीर पर राणा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने तथा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। चीन ने कहा है कि तालिबान अब खुला नजरिया रखता है और वो काफी विवेकशील है। उन्हें आशा है कि वो अपने वादे जरूर पूरा करेंगे, जिसमें महिलाओं के अधिकार की रक्षा की बात कही गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, विश्वास है कि अफगान तालिबान अब गुजरे हुए कल को दोहराएगा नहीं, पहले की तुलना में अब उनका नजरिया साफ है। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर काबुल पहुंच गया है। यहां वो समूह के सदस्यों और अन्य राजनेताओं संग नई अफगान सरकार बनाने को लेकर बातचीत करेगा। हालांकि तालिबान के आते ही देश से एक बार फिर खून खराबे से जुड़ी खबरें आ रही है। तालिबानी आतंकियों के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर नूर मोहम्मद उर्फ अब्दुल हक की बताई जा रही है। नूर को लेकर ये खुलासा हुआ है कि ये वही व्यक्ति है जिसे 23 जून 2021 को नागपुर से डिपोर्ट कर अफगानिस्तान भेजा गया था। उसकी उम्र 30 साल की है। नूर तकरीबन 10 साल तक नागपुर में रूप बदल कर रह रहा था। नूर के आतंकी बनने की जानकारी मिलने के बाद अब नागपुर पुलिस फिर सक्रिय हो गई है और उसके यहाँ रहने के दौरान मिलने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। काबुल में हमीद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर से करीब 150 भारतीयों के कथित अपहरण के खबरों के बीच स्थानीय अफगान पत्रकार जकी दरियाबी ने कहा है कि अपहृत व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। दरियाबी ने ट्वीट किया है कि दो सूत्रों ने पुष्टि की है कि तालिबान द्वारा भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन भारतीयों को काबुल हवाई अड्डे के पास से आलोकजई परिसर में ले जाया गया था, हालांकि वे सुरक्षित है। हालांकि तालिबान ने भारतीय नागरिकों के अपहरण की खबरों का खंडन किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तालिबान के साथ भी काम करने को तैयार है। यही नहीं, जॉनसन ने अपनी सरकार में विदेश मंत्री डोमिनिक राव का भी पक्ष लिया है। दरअसल काबुल के हालात को लेकर ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक भी आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि वे लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के हालात का हल तलाशने के लिए वे राजनयिक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो वे तालिबान के साथ काम भी करेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के 12 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल के लिए इजाजत मांगी है। अमेरिकी फार्मा कंपनी का कहना है कि वायरस को रोकने के लिए बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को आगे बढ़ाते रहना होगा। चीन में अब लोग 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। सरकार ने 3-child पॉलिसी को आधिकारिक मान्यता दे दी है। बर्थ रेट में और गिरावट ना हो, इसलिए चीन ने ये पॉलिसी लागू की है। इतना ही नहीं, लोग बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हो सके, इसलिए सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद देने के भी उपाय लागू किए हैं। अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन फंडिंग की समस्या आ रही है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार आपको 25 लाख रुपए का फंड देगी। हालांकि इसके लिए एक चैलेंज पूरा करना होगा। केंद्र सरकार ने चुनौती 2.0 नाम से नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है। फंड के अलावा उनको अन्य सुविधाएं भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा। अरबपति गौतम अडानी को मार्केट रेगुलेटर सेबी से बड़ा झटका लगा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी विल्मर के
आईपीओ पर रोक लगा दी है। 4,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाला था, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ चल रही जांच के चलते रोक लग गई है। बता दें कि जून में सेबी ने कम लागत वाली एयरलाइन को फर्स्ट के आईपीओ को प्रवर्तकों वाडिया और समूह की कंपनी बॉम्बे डाइंग के खिलाफ लंबित जांच के कारण रोक दिया था। अक्षय कुमार, लारा दत्ता और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेल बॉटम दर्शकों को पसंद आ रही है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन की जितनी उम्मीद थी उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला है। फिल्म की रिलीज के बाद अनुमान था कि ओपनिंग डे पर ये 3 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले दिन 2.5 करोड़ का कलेक्शन रहा, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने करीब 2,40,00,000 रुपए कमाए। इस तरह 2 दिन में बेल बॉटम की करीब 5 करोड़ के आसपास उसकी कमाई हो गई। फिल्म 200 हल्ला हो के माध्यम से 12 साल के लंबे अंतराल के बाद फिल्मों में वापसी कर रहे दिग्गज अभिनेता अमोल पालेकर का मानना है कि हिंदी सिनेमा में जाति को एक मुद्दे के रूप में शायद ही कभी उठाया जाता है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से मनोरंजक मुद्दा नहीं है। फिल्म 200 हल्ला हो दलित महिलाओं की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जिसने एक बलात्कारी पर खुली अदालत में हमला किया था। सार्थक दासगुप्ता द्वारा निर्देशित और दासगुप्ता और गौरव शर्मा द्वारा सहलिखित फिल्म 200 दलित महिलाओं की नजरों के माध्यम से यौन हिंसा, जाति उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और कानूनी खामियों के मुद्दों को छूती है। अमल पालेकर ने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग अभी भी ब्राह्मणवादी सौंदर्य शास्त्र से बाहर आने से इनकार करता है। उन्होंने कहा, हिंदी सिनेमा अभी भी जाति के मुद्दों पर एक विशिष्ट चुप्पी बनाए रखना पसंद करता है।